हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर, साथ में सभी ऐसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। साथ में मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये हमारे वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो चलिए देखते हैं, हमें सबसे पहले ओट्स लेना है। कोई भी ओट्स प्लेन वाला ले सकते हैं और उसे इस तरह से भून लेना है। पहले हम इसको इसी तरह से हल्का हल्का भूनते रहेंगे। फिर उसी सेम पैन में एक चम्मच देसी घी डालेंगे, उसे हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें हल्का सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा को अच्छी तरह से पकने देंगे, भुनने देंगे। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च, दो हरी मिर्च ऐड करेंगे और दो तीन लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और एक स्मॉल साइज का प्याज ऐड करेंगे। हमने आधे चम्मच से कम हल्दी ली है, आधा चम्मच से कम लाल मिर्च ली है और आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है। साथ में हम एक मैगी मसाला पैकेट डाल रहे हैं जिससे इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। साथ में इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। इसमें आपको घी की क्वांटिटी आपको कम नज़र आ रही होगी, पर हमने इसमें कम डाला है इसीलिए। साथ में हम एक मीडियम साइज़ का टमाटो कट करके डालेंगे और अब हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कितनी भी क्वांटिटी में ओट्स ले सकते हैं, आपको जितना लेना है आप उतना ले सकते हैं। इसमें मैंने 5 टीस्पून ओट्स लिया है, आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, क्वांटिटी आपके ऊपर रहेगी। हमने एक बाउल हमारे देसी ब्लैक चिकपीस, देसी काले चने, हमने बॉईल नमक डाल के बॉईल कर लिए थे और उन्हें हमने इसमें ऐड किया है। आप इन्हें पहले फूलने के लिए रात भर रख दीजिए, उसके बाद इसे बॉईल करके, नमक मिला करके बॉईल करके निकाल लीजिए और फिर इसकी इस तरह से इसमें ऐड करिए। तो इसका इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप पानी की क्वांटिटी भी अपने अनुसार रख सकते हैं। इसमें मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढक कर कुछ देर के लिए रख देंगे। तो देखते हैं, अभी यह पूरी तरह से नहीं पका है, इसे हमें कुछ देर और पकाना होगा। यह बहुत ही हेल्दी और अच्छी रेसिपी है, आप इसे ट्राई ज़रूर करना। ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं। इसमें हमने हरा धनिया ऐड किया है, साथ में आप इसे डिनर में, ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी वेट लॉस में। आप सही क्वांटिटी में इसे लेंगे और ओवरडोज नहीं लेंगे तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा वेट लॉस में। साथ में इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे आपको, फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगा, बहुत ही फायदेमंद है ये। वेट लॉस में 100% ये बेनिफिट रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और इसी से मैंने भी अपना वेट लॉस किया है और आप भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।